नमस्कार इन बीसीएन के दर्शकों का, आज कोरोना के पार्श्व पर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम यहां पर मौजूद हैं। जी हां, नागपुर में लॉकडाउन और एक से कई चर्चा सत्र चल रहे थे। लोगों में एक कुतूहल था कि क्या लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, क्या स्थिति होगी, लेकिन आज स्थिति ने कुछ करवट इस तरह से बदल ली है कि आज महापौर नागपुर नगर के जो माननीय महापौर है संदीप जोशी, उनके साथ ही जो महानगर पालिका आयुक्त है तुकाराम जी मुंडे और साथ ही पुलिस कमिश्नर जो है अभी जो कुछ समय के लिए जो नीलेश भरने चाहिए, इनकी और पूरे प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई, इसमें ये निर्णय लिया गया कि शनिवार और रविवार मतलब कल और परसों जो है नागपुर में जनता कर्फ्यू लगेगा। जनता कर्फ्यू के वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी स्थिति की समीक्षा करने के लिए और लोगों का आह्वान करने के लिए आज रास्तों पर बाजारों में महापौर खुद, उसके साथ में महानगर पालिका आयुक्त और पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त नीलेश भरने, ये सब रास्तों पर है। क्या स्थिति है वहां की, क्या स्थिति है नागपुर के रास्तों की, आइए हम जानते हैं गोकुलपेट का कुछ नजारा। हमारे संवाददाता अभिषेक पांसे वहां पर मौजूद है, सीधे हम उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, हाँ, क्या स्थिति है वहां पर? आज जैसे घोषित किया गया कि दो दिन का कर्फ्यू होगा नागपुर में 24 और 25 को। सर एक बात बता दूं कि आयुक्त तुकाराम मुंडे आने के बाद आज नागपुर महानगर पालिका में एक ऐतिहासिक ऐसा क्षण था कि जब अधिकारी और लोक प्रतिनिधि एक ही रूम के अंदर बैठकर किसी निर्णय लिया गया। वो कोरोना का जो संक्रमण अपने नागपुर शहर में बढ़ रहा है, इसके ऊपर एक बैठक ली गई, उसमें लोक प्रतिनिधि, महापौर, आयुक्त तुकाराम मुंडे और सब अधिकारी उपस्थित थे। इस एक से डेढ़ घंटे जो चली जो बैठक चली, जो उसमें ये निर्णय लिया गया कि कल और परसों मतलब शनिवार और रविवार को जी जनता कर्फ्यू किया जाएगा। 25 और 26 को जो है नागपुर में जनता कर्फ्यू लगेगा। तो इसी पार्श्वभूमि में आज हम अभी गोकुल परिसर में, आप मुझे पूरे पीछे देख सकते हो, पुलिस विभाग की ओर से अवेयरनेस किया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। जी, बैठक खत्म होने के बाद महापौर ने बताया था कि 4 बजे के बाद इसका अवेयरनेस है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा जाएंगे, जनता तक पहुंचा जाएंगे। उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है पुलिस विभाग की ओर से। भोपाल के अलावा आप देख सकते हो रत्नागर पर कि ये इस तरह पुलिस विभाग की ओर से भी लोगों में जन जागृति की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कल और अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां पर अनाउंसमेंट की आवाज हम सुन पा रहे हैं। जी, 7 बजे तक ही सभी दुकानें खुली रहेंगी, आज 7 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, वो सीधा सोमवार को खुलेगी। अति आवश्यक चीजें है जैसे मेडिकल स्टोर होगी, दवाखाने हो गए, ये सिर्फ खुली रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि ये कोई भी मतलब ये कोई नियम नहीं है या की बड़ी घोषणा नहीं है, ये लोगों के लिए मतलब लोगों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए, इसमें कोई सख्ती नहीं रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो अभी जिनको चार्ज दिया गया है कुछ दिनों के लिए जो नीलेश भरने साहब जी उन्होंने बताया कि 2 दिन लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि कोविड के नियम क्या होते हैं, बाहर निकलना चाहिए, कोई सख्ती नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी है सर, उनसे जान लेते हैं कि क्या कार्रवाई की जा रही है। जी, हम भी बात सुनना चाहेंगे कि क्या पुलिस विभाग ने और क्या क्या तैयारियां कल के लिए कर रखी है और आज किस तरह से वो आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात सुनना, हमारे दर्शक भी उनको सुनना चाहेंगे। अभिषेक, हाँ सर, क्या तैयारी की जा रही है? 2 दिन का अभी जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है, सर कल कोई कार्रवाई की जाएगी कि या लोगों में अवेयरनेस किया जाएगा? 2 दिन कुछ कार्रवाई होगी पुलिस विभाग की ओर से, लोग जब घर के बाहर निकलेंगे, ये जनता करते से लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर में रहिए, आपके भलाई के लिए है, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई। जो लोग वहां पर जो कल जो अभिषेक आप उनसे सवाल यही पूछिए कि कल अगर कोई अनावश्यक अगर घूमते हुए दिखे और उनको अगर पकड़े जाते तो उनके ऊपर में कोई प्रशासनिक कार्रवाई या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा?
पुलिस से कल कोई अनावश्यक ऐसे घूमते मिल जाएंगे, क्योंकि युवक ज्यादातर घूमते हैं, तो कुछ ऐसा ऑफिशियली कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? उनको पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा अनावश्यक जो भी घूमते हैं उनके ऊपर। तो रत्नाकर सर, आपने सुना है कि पहले रिक्वेस्ट की जाएगी लोगों से कि भाई ये कोविड का संक्रमण नागपुर शहर में बढ़ रहा है, आप बाहर ना निकले दो दिन का ये जनता कर्फ्यू है, उसके बावजूद भी लोग नहीं या जनता नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी? जैसे कोटे सर ने भी हमें बताया है कल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महापौर आयुक्त ने वो ही बताया था जी, 7 दिन का समय है, 7 दिन में देखा जाएगा कि लोग किस तरह से ये नियमों का फॉलो करते हैं। अगर लोग नियम के फॉलो नहीं करते हुए संक्रमण के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कम नहीं हुए, तो शायद ये लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ेगा। अब जैसे ये कर्फ्यू घोषित किया है अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि कई जगह पर लोगों में आपाधापी भी मची गई, कई क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है, आपने भी देखा होगा यहां से जाते हुए, आपके आजू बाजू में कुछ दुकानें चालू है अभी भी मार्केट में, क्या कल का असर लोगों के मनोवृत्ति पर दिख रहा है, उनके मनोवृत्ति से या उनके चलन वलन से ऐसा पता चल रहा है कि वो कल के लिए बहुत सारी खरीदारी करने के लिए भीड़ या झुंड या ट्रैफिक में कहीं कोई एकदम अचानक बढ़ती हुई ऐसी नजर आ रही है? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की मानसिकता होती है कि लॉकडाउन है तो पूरा बंद है, एक्चुअली कल का वीकेंड शनिवार फोर्थ सैटरडे है, बाद में संडे है, वो वीकेंड है, लेकिन आज जब हमने महापौर मतलब महापौर का जो सतरंजीपुरा जोन का जो दौरा हुआ था, वो जो होलसेल मार्केट है चित्तौड़ी का, वहां पे हमने जब गश्त लगाई तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी जी, लोगों को सामान लेने के लिए, तेल राशन लेने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग वहां आए थे। 2 दिन का जनता कर्फ्यू है, 2 दिन के लिए इसका राशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अति आवश्यक सेवा है जो वो खुली रहेंगी, जो जरूरतमंद की चीजें है उसकी दुकानें खुली रहेगी, ऐसा साफ तौर पर प्रशासन की ओर से कहा गया है। आज भी अभी जो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू, जी गोकुलपीठ का परिसर है, यहाँ पे सब दुकानें शुरू है जी, और जो इस तरह से जो भीड़ नजर आ रही है लोगों की, ऐसा लग रहा है कि लोगों में से जो कोरोना का डर था वो डर निकल गया, यूं माने तो कोरोना नागपुर शहर में या महाराष्ट्र में आया नहीं था। कहीं ना कहीं अभिषेक यही वजह रही है कि आज नागपुर के आंकड़े जो है संक्रमण के आंकड़े फिर से बढ़ते जा रहे हैं, और आज फिर से ये जनता कर्फ्यू का आगाज सरकार को प्रशासन को माननीय महापौर महोदय का करना पड़ा, और अगर ये आंकड़े यहाँ पर नहीं थमे तो फिर नागपुर वासियों को एक बहुत बड़े और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का सामना जरूर करना पड़ेगा। अभिषेक सर ये शुरुआत है, ये दो दिन तो अपन मराठी में ऐसा बोलते हैं कि कोई नाटक के बजाय रंगीत तालीम करनी पड़ती है, शायद 2 दिन की ये रंगीत तालीम हो सकती है कि जनता किस तरह से सपोर्ट करती है प्रशासन को, या 2 दिन में लोगों ने दिखा दिया कि नहीं हम कर सकते, हमने ठान लिया है कि कोरोना को हद्दपार करना है, तो कुछ सहूलतें मिल सकती है, लेकिन लोग वही अपने बिहेवियर पे रहे तो शायद एक लॉकडाउन के साथ जो बड़ा कर्फ्यू तुकाराम मुंडे आयुक्त ने जो कहा है कि मैं लॉकडाउन के साथ पूरी तरह से संचार बंदी लॉकडाउन के साथ में पूरी तरह से संचार बंदी का भी फिर वहां पर जो है एक प्रकार की घोषणा होने की संभावना हम नकार नहीं सकते। अगर इस कर्फ्यू जो जनता कर्फ्यू है 2 दिन का, इसके रिजल्ट अगर सही पॉजिटिव नहीं आए या लोगों ने इसको सहकार्य नहीं किया या कहीं भी नागपुर की जनता फिर उसी तरह से रस्तों पर उमड़ पड़े, जैसे कि आज आपके जो विजुअल्स है उस पर हम भी देख रहे हैं कि अभी भी काफी रास्तों पर भीड़ है और ट्रैफिक भी आवागमन भी बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे कल के लिए कर्फ्यू घोषित किया गया तो लोगों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला कल भी और परसों भी अगर लोगों ने नहीं माना तो फिर एक सख्त लॉकडाउन की ओर हम लोग अग्रसर जरूर है। जी अभिषेक नहीं कल और परसों का नहीं है, इन लोगों ने एक 7 दिन का कुछ समय दिया, 31 जुलाई तक का समय, नहीं मैं जनता कर्फ्यू की बात कर रहा हूँ अभिषेक, जनता कर्फ्यू 2 दिन का है। हाँ जनता कर्फ्यू 2 दिन का है, इसके ऊपर ही बहुत जो कुछ डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो बैठक जो हुई थी वो बैठक में जो विकास ठाकरे जो विधायक है और ये प्रवीण दत्त के जो उन्होंने कहा था कि जो कर्फ्यू लगाना है वो कर्फ्यू लगाने के बाद जो सामान्य जनता है वो जरूरतमंद जनता है उसका उसके ऊपर योजना करनी चाहिए जी, जो उसी रात कमाते हैं उसी रात खाना खाते हैं उस जनता की व्यवस्था करने के बाद कर्फ्यू का सोचा जाए। तो जो 7 दिन 31 जुलाई तक का जो समय दिया है, 31 जुलाई को भी एक बैठक होने वाली है ऐसे अधिकारी और लोक प्रतिनिधि की, उस बैठक में फिर तय किया जाएगा कि नागपुर शहर में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं।
तो इस तरह से अभिषेक कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉकडाउन का जो बॉल है जो अब तक प्रशासन और सरकार के कोर्ट में था अब वो जनता की कोर्ट में आ गया है? नहीं सर, ये लॉकडाउन का अनलॉक जब से शुरू हुआ है जी, तब से ये बॉल तब से जनता के पास ही था। जनता ने उस बॉल को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उससे खेलना है, ये जनता पे डिपेंड था। लेकिन जनता जनता ने उसे जो पहुंच जो कहते ना वो बॉल पहुंच जा रहे थे, तो वो सर के लिए खतरा बन गया है। क्योंकि जो लॉकडाउन का तो आपने हमने और जनता ने देखा है कि कुछ क्षेत्र ही प्रभावित हुए थे जी, और अब लगभग पूरा नागपुर ही प्रभावित क्षेत्र प्रभाव के अंदर में है कोरोना के। हाँ, पूरा क्षेत्र अभी पूरा नागपुर शहर प्रभावित हो रहा है। तो अनलॉक के बाद जो परसेंटेज बढ़े हैं नागपुर शहर में वो बहुत चिंताजनक है। कल नागपंचमी भी है, उसकी भी भीड़ बाजारों में दिख रही होगी। छोटे मोटे बाजारों में डेफिनेटली छोटे मोटे बाजारों में उसकी भीड़ लग रही है। नागपंचमी की राखी की भी भीड़ दिख रही है जी। पुलिस प्रशासन हो या मनपा के अधिकारी हो, लोक प्रतिनिधि हो, वो अपनी ओर से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को नियमों का जो जन जागृति करने की कुछ बता रहे हैं कि कल से बाद जनता कर्फ्यू है, कोविड के जो नियम है वो बताने की कोशिश कर रहा है। कुछ जनता तो मान रही है लेकिन कुछ जनता खुलेआम घूम रही है, मास्क तो पहन रही है लेकिन सोशल डिस्टेंस का कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे उसका नियम का पालन हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति रही तो फिर दो दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसके परिणाम क्या हो गए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोगों में अवेयरनेस है अभिषेक, आपको दिख रहा है लोगों में अवेयरनेस है कि दो दिन का जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है? नहीं, अभी तक तो लोगों में कुछ अवेयरनेस नहीं है क्योंकि शॉर्ट लिस्ट में ये घोषणा की गई, शायद लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं होगी जी। धीरे धीरे जब तक लोगों को पहुंचेगा लोगों को पता चलेगा, लेकिन लोगों में जब तक खुद में वो एहसास नहीं होगा कि नहीं ये जनता कर्फ्यू में सपोर्ट होना चाहिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन का जनता कर्फ्यू घोषित किया था जी, ये जो एकदम शुरुआत की बात है, तो 22 मार्च की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, उस दिन भी आप और मैं सड़कों पे न्यूज कवर करने आए थे जी जी, अगर शायद कल और परसों अपने शहर में देखा जाए तो लॉकडाउन की जो संभावना है उसको हम टाल सकते हैं। संभावना है जो अटकलें लगाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण विराम मिल जाएगा जी जी। आपकी कई वहां से जो गुजरते नागरिक गण है उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि कल से जो है जनता कर्फ्यू लगा है तो क्या उन्हें इस बारे में जानकारी है? सिर्फ ये दो सवाल पूछने आपको कि क्या उनको इस जनता कर्फ्यू के बारे में जानकारी है, और अगर है तो वो अपने आप को दो दिन घर के अंदर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? मैं जहाँ खड़ा हूँ सर वहाँ पे बीच रास्ते पे खड़ा हूँ, इसलिए जो जी सिग्नल सिग्नल पे जो जितने लोग खड़े रहते हैं बस इतने ही लोग है, और पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगा है, सिग्नल बंद किए जा रहे हैं, जिसमें दो ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं पूरा, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। देखो ये कोई बात नहीं, दो सब जा रहे हैं, ये जो सब सिर्फ रुमाल तो उसने पहना है लेकिन वो कुछ रुमाल काम का नहीं है। आप उनसे पूछिए कि क्यों उन्हें उन्हें आप उनसे जरूर पूछिए कि उन्होंने क्यों मास्क नहीं पहना है। वो तो अभी निकल गए, इसके पहले भी हमने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की थी लेकिन वो कैमरा देख के शायद डर जाते हैं या शर्मिंदा महसूस करते हैं, वो तो उन्हीं को पता होगा। मैं आपको बताना, मैं भी आपको अभिषेक बताना, जैसा जहां आपने एक नागरिक का है वहां पर उदाहरण दिया, वही आप देखिए कि पुलिस प्रशासन वहां पर जो है सिग्नल पर कोशिश कर रहा है लोगों को कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोगों ने किस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में जहां पुलिस प्रशासन सख्ती भी कर रहा है या उनको लोगों को गाइडेंस भी दे रहा है, वहां कुछ लोग जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, और कैमरे में आप दिखाइए उनको कि जो लोग नहीं मान रहे जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। देखो साइकिल पे खड़ा है, जो तो रूल पुराना है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे किसी को रहना नहीं चाहिए जी। भले ये साइकिल पे है लेकिन ये जो शख्स है ये युवक है ये जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा, बाकी अवेयरनेस पे बाकी देखो ये जो जो सीमा दिए गए वो सीमा के अंदर है। कुछ लोग जैसे डबल सीट वहां पर हमें दिख रहा है कि एक बच्चा भी वहां पर, मतलब एक बच्चे को टंकी पे बिठाया गया है। डबल जो राज्य सरकार ने अनलॉक से नियम लिया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि डबल सीट को परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये
तो एक्टिवा है, बाइक है, वहाँ उस पर टिबल सीट एक बच्चा सामने है, डबल सीट जो घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन किस पे कार्रवाई, किस पे कार्रवाई करेंगे लोगों में इतनी बड़ी तादाद में, जब वहाँ पर सही बात कर रहे हैं आपकी, इतनी बड़ी तादाद में अगर वहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा तो पुलिस प्रशासन भी किन किन लोगों के ऊपर में कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बात है कि जब सब लोगों को पता है कि हमें गाड़ी जो बाइक है बाइक के ऊपर में डबल सीट नहीं जाना है, तो यहाँ पर जो हम वीडियोज देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी इसे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर एक गाड़ी के ऊपर में आप देख सकते हैं सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी है और किस तरह से नियमों की धज्जियां जो है नागरिकों की वजह तरफ से इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में कोरोना नामक महामारी या COVID-19 की हम बात करते हैं, इसको कैसा रोकेंगे? सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं हो सकती? अभिषेक, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, प्रशासन को गाइड करना और ऑपरेटिंग करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो वायरस है ये सब बीमारी नहीं है, हम कोई भी जो ब्लेम है वो प्रशासन और डॉक्टर पर नहीं डाल सकते। ये वायरस है, ये वायरस ऐसा है कि आप वो वायरस रोक सकते हो, खुद की सुरक्षा कर अपने अपने शहर को बचा सकते हो। इसलिए ये जन जागृति करने का महत्वपूर्ण भूमिका वही है कि लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। इसलिए जो नागपुर शहर का जो प्रथम नागरिक है महापौर संदीप जोशी, आयुक्त तुकाराम मुंडे जी, अब इसके बाद में लोगों के जो इतने प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, उसके बाद में लोक प्रतिनिधि हैं, और लोक प्रतिनिधि के जो नायक है, मैं महापौर माननीय महापौर संदीप जोशी जी की बात कर रहा हूँ, महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे जी की बात कर रहा हूँ, उपायुक्त नीलेश भरने जी की बात कर रहा हूँ, आज मीटिंग के पश्चात सबने ये ठाना था कि हम शाम को सभी नागरिकों का आह्वान करेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि एक संयुक्त मीटिंग में आयुक्त मुंडे, उसी प्रकार महापौर संदीप जोशी और उपायुक्त नीलेश भरने, इनकी ज्वाइंट मीटिंग हुई, प्रशासनिक अधिकारीगण भी वहां पे मौजूद थे, लोक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, सब ने मिलकर ये निर्णय लिया नागपुर की जनता के लिए, कहीं ना कहीं COVID-19 की जो संक्रमण की जो स्पीड है उसे रोकने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम एक विराम ले, कहीं ना कहीं अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन न करते हुए इस वक्त ये निर्णय लिया गया है कि 2 दिन का कर्फ्यू, यानी शनिवार और रविवार का 2 दिन का जनता कर्फ्यू होगा, जो कि जिसका पालन हम सभी को करना पड़ेगा। अगर हम इस जनता कर्फ्यू का पालन सही ढंग से करते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो स्पीड है उसे रोकने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो आर्थिक विवंचना है वो नहीं होगी, लॉकडाउन नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को हम विराम दे पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो नागपुर एक आदर्श होगा। अभिषेक, एक शुरुआत हुई थी और वहां पर देखा गया था नागपुर एक आदर्श था COVID-19 के लिए, आंकड़े नहीं बढ़ रहे थे, मॉर्टेलिटी नहीं थी, मृत्यु दर एकदम कम था, अचानक अनलॉक के चलते नागपुर के सारे नागरिकों ने, और कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई भी उसके लिए कारणीभूत होगी कुछ हद तक, लेकिन आंकड़े एकदम बढ़ते रहे और रोज 50 से 100 के बीच और कभी कभी 100 के ऊपर में, और रोज अभी एक ऐसा दिन नहीं निकला गया 5-6 दिनों से कि मृत्यु दर या मृत्यु की घटना नहीं आई हो कोरोना के चलते। अभिषेक, लॉकडाउन के जो शुरुआत में था रिकवरी रेट सबसे ज्यादा नागपुर शहर का था पूरे देश में, तो जो आयुक्त तुकाराम मुंडे था उनसे गाइडेंस लिया जा रहा था, बाकी शहरों के ऊपर उनसे पूछा जाता था कि ये काम आपने कैसे किया। इतना सब होने के बाद जब नागपुर शहर की ये स्थिति आज देखने को मिल रही है कि रोज के रोज 100 के ऊपर कोरोना पेशेंट आ रहे हैं और 5 जो मृत्यु दर है वो डेथ जो परसेंटेज वो भी बढ़ा है अपने नागपुर शहर में, तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है अभिषेक, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि लॉकडाउन करते वक्त प्रशासन या सरकार ये नहीं सोचती कि कुछ जो जनता है, मध्यम वर्गीय परिवार कहे या गरीब परिवार कहे, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी उनकी व्यवस्था के बारे में सरकार नहीं सोचती, लेकिन आज जब अनलॉक है, अनलॉक के वक्त यही नागरिक, यही जनता ये क्यों नहीं सोचती कि हमने अनलॉक का फायदा उठाना चाहिए, उसका गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम लोगों ने धज्जियां उड़ाई है, इसके लिए आज हमें जनता कर्फ्यू का पालन करना होगा। भाई बिल्कुल सही रत्नाकर सर, बहुत सही बात है। जब लॉकडाउन था तब जो लोगों का कहना है था कि बस सामान्य जनता हो गई या वो मजदूर वर्ग के लोग, उनके ध्यान नहीं दिया जाता था,
कुछ सामाजिक संस्था राजनीतिक पार्टी करना खाना या किट्स वाटअप का जो कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अभी जो अनलॉक हुआ मतलब लॉकडाउन में जो अपन ने जो कहा है उससे कुछ अनुभव लेकर अनलॉक में भी जनता ने कुछ सोच के कदम उठाना था कि लॉकडाउन में अपन ने यह सब कहा है फिर से ये समय आकर फिर से लॉकडाउन लगेगा और अपने को फिर से मुस्कान में जाना पड़ेगा। वर्तमान जो भविष्य अच्छा करना है तो वर्तमान अपने को अच्छा करना पड़ेगा, ये सोच आज नागरिकों में होना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद। हम आप वही बने रहिए और आगे की जानकारी आपसे लेके, लेकिन मैं दर्शकों को चलते चलते ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभिषेक वहां पर गोकुलपेट चौक में मौजूद है, वहां पर कर्फ्यू जो है कल और परसों के लिए 25 और 26 के लिए नागपुर में घोषित किया गया है, जो कि संयुक्त रूप से आयुक्त तुकाराम मुंडे, माननीय महापौर संदीप जोशी और पुलिस उपायुक्त नीरज भरणे इनके संयुक्त मीटिंग में घोषणा की गई कि नागपुर में अब 2 दिन का जनता कर्फ्यू किया जाएगा। इस जनता कर्फ्यू के जो परिणाम होंगे उसके बाद ये तय होगा कि नागपुर में पूरी सख्ती से लॉकडाउन घोषित किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब जो ये जिम्मेदारी है ये कहीं ना कहीं नागरिकों के ऊपर में है कि ये जनता कर्फ्यू को किस तरह से प्रतिसाद देती है। आज अगर हम नहीं सुधरे, आज अगर हमने इसका पालन नहीं किया, आज अगर हम इस श्रृंखला को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो हमारा कल ये 2 दिनों में हम बहुत ही खराब करने वाले हैं। हम इस माध्यम से इन विषय के माध्यम से भी नागरिकों से अपील करना चाहते हैं, शनिवार रविवार है, बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, स्वस्थ रहे, अपने घर में रहे, अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। प्रशासन और सरकार को ही हम जिम्मेदार हर चीज के लिए नहीं ठहरा सकते, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। हम इस माध्यम से सभी दर्शकों से और हमारे देखने वाले से और सुनने वालों से हम गुजारिश करते हैं कि कृपया ये 2 दिन जनता कर्फ्यू का पालन करें, कोई भी ऐसा डिसिप्लिन ना तोड़े जिससे आपको और आपके परिवार को आने वाले समय में एक बेहद ही दुखद घटना का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना जो है वो इस तरह से फैल रहा है, नागपुर के आंकड़े और नागपुर का डेथ रेट जो है कहीं ना कहीं हमें डरा रहा है। इन विषय के माध्यम से हम फिर से एक बार आपसे गुजारिश करते हैं, सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि 2 दिन का जनता कर्फ्यू जो है प्रशासन द्वारा घोषित किया गया इसका सम्मान करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कृपा करके ये 2 दिन अपने घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद अभिषेक आपके बारे में से, आपके वहां से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से इस वक्त विदा लेंगे, आने वाले और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।